लड्डू के भैया कई दिनों से ठीक से हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तुम अभी तक सोई नहीं पगली? हमें कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि अंगूरी हमसे ढंग से बात ही नहीं कर रही है। अब बिजनेस ठीक से नहीं चलने की वजह से हम ही थोड़े उखड़े उखड़े रहते हैं। अलड्डू के भैया हमसे बहुत ही रूखे रूखे से पेश आते हैं। लगता है अब वो पहले वाला बात ही ना आए हैं। पता नहीं क्या बात है, ये पगली ना जाने कहाँ गुम हो गई है। हमसे ये जानने की कोशिश भी नहीं करती कि आखिर हमें क्या परेशानी है। मतलब कि अंगूरी को अब हमें दिलचस्पी नहीं रही? नहीं, ये कहना अभी शायद जल्दबाजी हो। हम लड्डू के भैया के दिल में अपने लिए प्यार दोबारा से जगा कर ही रहेंगे। एक बार बिजनेस से निश्चिंत हो जाएं, फिर अंगूरी के दिल में अपना प्यार जगाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भाभी जी, क्या बात है, जब भी हम इस इलाके से गुजरते हैं तो दरियाए हुस्न में संगीत के सुर उछाल मारते हैं, लेकिन आज ये दरियाए हुस्न इतना चुप क्यों है, इतना खामोश क्यों है और इतना गमगीन क्यों है? का बोले भाभी जी, इतनी चुप क्यों है, उदासी दिख रही है, क्या हुआ? हम आपको कहा बताएं बरबूती जी, हाँ, कि हम कितनी बड़ी उलझन में हैं। हम अपने आप को बहुत ही एक्सप्रेस महसूस कर रहे हैं। भाभी जी, वो डिप्रेस होता है। सही पकड़े हैं। आपको कैसे पता, हम तो मन में बोले थे। भाभी जी, शायद मेरे मन के कान ने आपके मन की जुबान सुन ली है। इट्स कॉल्ड टेलीपैथी, कनेक्टिविटी। अच्छा, अब अरभूति जी, और कहा है ना कि हम एक ठो बात पूछना चाह रहे हैं आपसे। आप जी, एक ठो क्यों, दो ठो पूछिए ना। ठीक बा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको कहा लगता है हमरे अंदर कछु कंस्ट्रक्शन बाकी है का? भाभी जी, कंस्ट्रक्शन तो कमाल की किया मुसव्विर ने। आप शायद अट्रैक्शन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। और कछु आकर्षण बचा है हमें? अभी जी, क्या बात कह दिया आपने, आकर्षण बचा है। भाभी जी, आप आकर्षण की मूर्ति हैं। भाभी जी, आकर्षण आपसे शुरू होता है और आप पे खत्म हो जाता है। भाभी जी, आप तो इतनी आकर्षक हैं कि आपको देख के राही अपना रास्ता भटक जाता है, जैसे मैं भटक गया हूँ। क्या बोले भाभी जी, आप जैसी मेरा मतलब आप जैसी खूबसूरत महिला के दम से ही तो आकर्षण है। भाभी जी, आप हैं तो आकर्षण है, आकर्षण है तो आप हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमरी तो कछु ना ही समझ आया, लेकिन हमको ये पता चल गया है कि हमरे अंदर अब कछु आकर्षण बचा ही नहीं। भाभी जी, नो, भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी जी, भाभी जी ने कैसी बात कह दिया आज यार, आकर्षण नहीं है? अरे भाभी जी, में तो इतना आकर्षण है कि इनको देख के मेरे अरमानों में घर्षण पैदा हो जाता है यार। अबे साले विभूति, जब देखो तब भाभी जी के दरवाजे पे भिखारी बना खड़ा रहता है। जब तुझे पता है इस दरवाजे से तुझे भीख नहीं मिलती है तो कोई और जाकर दरवाजा ढूंढ लेना। भाभी जी को लेके फालतू बकवास मत करना। अच्छा अच्छा, ठीक है, सुन, मुझे तुझसे एक जरूरी काम था। हाँ। मुझसे काम था? हाँ। बोल, क्या काम था? वो क्या है ना, मैंने 4 टेलीफोन की लाइनें बुक करवाई थी और वो मुझे मिल गई है। वाह, तो मैं एक हॉटलाइन फोन सर्विस शुरू करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी आवाज में जादू हो, जिसका अंदाज भी अच्छा हो, जिसकी आवाज शहर के फ्रस्ट्रेटेड आदमियों के दिल में चाशनी की तरह उतर जाए। तेरे पास है ना वो तेरी गुलफाम कली, वो तो बड़ी लचीदार बातें करती है। अरे यार, ये गुलफाम कली नहीं तो सारी गड़बड़ करके रख दी है।
मैं सारी रात उसे समझाता रहा लेकिन वो नहीं मानी। कभी कभी ये गुलफाम कली बहुत नखरे दिखाती है यार। कि जिनको छोरी जात ने आज तक छुआ भी ना। तुम दोनों एक बार मसाज पार्लर गए थे कमबख्त, तो वहां भी रेट पड़ गई। कसम से कह रही हूँ तुम दोनों को तो ना डूब के मर जाना चाहिए, डूब के। ए सुन, हाँ खुश नसीब के फूफा, ज्यादा बकवास मत ना करे। जे तुम दोनों जे का लगा रखी तूने, बार बार बकवास कर रहे हो। तू कम से लगे क्या है? तो को भी तो छोरियां भावना देती है। अबे मानता हूँ यार छोरियां भावना देती हैं, लेकिन कम से कम दो चार भाभियां तो सेट कर रखी है मैंने। तुम्हारी तरह ऐसी तो ना हूं। अच्छा अरे दादा, तो तू बड़ो भाभियन को शिकारी हो रहा हो। दरोगा जी जरा तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो। मैं तो भाभियों का शिकारी हो रही हूँ, लेकिन तुम तो अपनी साली के शिकारी हो। सारे ज्यादा बकर बकर ना करो करे हमसे। एक तो ससुर वैसे ही सालियन ने तक बात करना बंद कर दो हमसे। क्या दरोगा जी कछु कांड वांड करता होगा? तब तेरी अरे हर टाइम पे बस हर टाइम पे गर्दन पे उंगली करती रहती हैं। दरोगा जी कहा होगा, मतलब कब चो मूड उड़ खराब कर रखो का? शकल पे ना देख रहा हूँ, शकल पे ना देख रहा हूँ। इतने साल से जानते हो, एक तो सोचो बेटी माहौल नहीं है ठीक यार हमारे घर को। बीबी है सो बिल्कुल बच्चन में नोनो ठग गए हैं ना सारे, उन्हीं में लगी रहती है दिन भर। और साली रहती है, हाँ हाँ हाँ, बाकी पास भी टाइम नहीं है, बाप से बात ही ना करती, भाव ही ना दे रही यार। भैया ऐसो अकेलो पर लग रहा है घर में, मतलब खाली खाली लग रहा है। दरोगा जी अपनो हाल भी ना आपके जैसे चल लो है, सेम टू सेम। हेलो दिस इज शैला, सबकी मोहब्बत का थैला, हूज दिस? थैला, तुम्हारा थैला में मोहब्बत के अलावा काका है गो? बहुत कुछ है मेरे पास, पहले बताओ व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टीकाराम है। Oh my God, इतना इंटरेस्टिंग नाम है, दिल करता मैं तुम्हारा नाम लेती रहूं, लेती रहूं, लेती रहूं। सासों की माला पे सिमरू में टीका नाम, Oh my God, what a beautiful name, टीका 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 टीका। What happened, my baby? Why are you crying? My बच्चे तुम रो क्यों रहा है? क्योंकि आज तक मेरे नाम की किसी ने भी तारीफ ना करी। नाम तो का तारीफ भी ना करी। अबे ना तू तारीफ के काबिल है ना तेरा नाम तारीफ के काबिल है। वो सब बेवकूफ होंगे बेबी, तुम्हारा नाम तो दुनिया का सबसे हॉटेस्ट नाम है। आई लव दिस नेम, टिक 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 टिक। अच्छा बताओ टिक कैसे दिखते हो? ओह माय गॉड, मैं कहा कि थोड़ा थोड़ा हॉलीवुड एक्टर जैसे लगता हूँ। टीका कह रहा है कि उसकी शक्ल किसी हॉलीवुड एक्टर से मिलती है। Oh my God! अच्छा बताओ तुम किस एक्टर की तरह रखते हो, बताओ, tell me। नाम तो पता ना है, मगर वाने कहा है कि किंग कॉन्ग फिल्म में टाइटल रोल कर रहे हो तो। Oh my God! So handsome and hairy! तुम तो बहुत handsome होगी टीका। तेला, तुम कैसी लगती हो? मैं कैसी लगती हूँ? Actually जो शहर की लड़की है ना, मुझे एंजेलिना बोल के छेड़ते हैं। एंजेलिना? भाई ना जाने वो ब्रेड पकोड़े से शादी करी है। ब्रेड पकोड़ा नहीं, वो ब्रेड पिट है स्वीटहार्ट, मैं जानो। ओके ओके, जो भी हो बड़ी अच्छी लग रही हो, कब मिलोगी मुँह से? फिक्र क्यों करते हो, मैं भी तुम्हारे पास आ जाती हूँ। हैं? अच्छा अपनी आंखें बंद करो। हाँ करता हूँ करता हूँ। अरे मर गो अरे मैया। कर रहा हूँ हाँ। कर ले। ओ मेरे अजीज, मेरे लजीज, मेरे खबीज, दिस इज शैला। आहा शैला, अरे दादा हम बोल रहे तुम्हारे छैला। हट तू केला।
कबोली शैला? मैंने कहा हेलो दरगोगा, हाउ आर यू? अरे तुम्हें क्या बताएं, कैसे बताएं, जीवन में कछु रसई ना रह गो तो गन्ने के रस में कूद जा। ऐसू है, गन्ना के रस में मजो ना आएगो, तुम अपनी मोहब्बत की रस में डुबो दो। क्या बताएं, हमारा बड़ो बुरो हाल है, तन्हाई की दलदल में आ गिरे भाई है। गिरे होते हैं गर्दिश में, उन्हें हम थाम लेते हैं। पड़े होते हैं बिस्तर में तो तेरो नाम लेते हैं। गर्मी है, हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। अरे जो मुशायरो छोड़ो मेरी जान, ऐसू करती हैं। हेलो, हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। आज जुग जुग जी उमर बच्ची, कैसन बा? का बताए अम्मा जी, बहुत तानसेन में। काहे, का हुआ, बैल कछु किया का? आओ कछु करी तो नहीं रहे। का मतबल? का बताए अम्मा जी, आपको पता है आजकल बहुत रूखे रूखे से रहते हैं हमसे। हाँ, हमको तो लगता है लड्डू के भैया और हमरे बीच जो भी प्यार था ना, वो सब खत्म हो गया है, कछु बचा ही नहीं है हमरे बीच। और क्या बात कर रही है बहुरिया? हाँ, हमसे ना ऐसे दूर भागते हैं, हमको तो लगता है कि उनके दिल में अब हमरे लिए प्यार ही ना ही बचा। अरे नहीं बहुरिया, ऐसा मत बोलो, हम उबैल का ना हड्डी पसली तोड़ देंगे। हाँ नहीं नहीं, अजय ये ऐसा काहे बोल रही हैं, मार मार के कब तक प्यार करवाएंगी आप उनसे? हाँ, अब मारने से कछु फायदा ना ही होगा, अब ना हमको कछु अलग करना पड़ेगा। अब बहुरिया, तुम अपनी कनो सहेली से बतिया के देखो। हमारी सहेली? आपको तो पता है कि आपके अलावा हमारी और कोनो सहेली है ही नहीं, का करे आप ही बताइए। ओ हमारी बच्ची, अब बहुरिया तुम फिकर नहीं करो, हम कछु उपाय ढूंढ के तुमको फोन करेंगे, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो बहुरिया, हैं, बाय बाय। रामकली। हाँ गुप्ता जी, क्या हुआ? पिक्चर चलना है का? नहीं नहीं, आज तनी पंडित रामफल के पास काम है, हैं? अरे ओ अम्मा जी, का होली खेल रही है आटा से? और बता, तू कह रही थी ना कि तू नए घर में शिफ्ट होने वाली है, हो गई शिफ्ट? अरे अभी कहाँ, अभी तो ना वहाँ पे इंटीरियर का काम चल रहा है। क्यों अनुराग? हाँ अच्छा अन्नू, एक बात बता, तेरी नजर में कोई ऐसा आदमी है जिसकी शक्ल में हमेशा 12 बजे रहते हैं? हाँ, ऐसी शक्ल का आदमी तो मैं रोज देखती हूँ, रोज देखती हूँ। अरे वो किसको देखती हूँ यार? तू निबू की बात कर रही है ना? क्यों अनुराग? मेरे विभू के चेहरे पे हमेशा 12 बजे होते। प्लीज, मेरे विभू का चेहरा इतना फ्रेश और चार्मिंग है। और कभी अपने अनुराग का चेहरा देखा है? अरे अनु, तू चिढ़ क्यों रही है? अरे अभी तूने ही तो बोला कि तू उसे रोज मिलती है, तो मुझे लगा कि विभू की बात करी है ना। जी नहीं, मेरे विभू के चेहरे पे नहीं 12 बजे होते, उसका चेहरा बहुत चार्मिंग है और वो बहुत हैंडसम है। कोई तो शख्स है जिसको मैं रोज देखती हूँ और जिसके चेहरे पे 12 बजे होते हैं, वो शख्स। इस विषय पर वार्तालाप चल रहा था भाभी जी। अरे तिवारी जी, आप ना इतने सही टाइम पे आए ना, आपकी टाइमिंग आज बहुत अच्छी थी। मैं और मीनल पता है क्या बात कर रहे थे कि मीनल तू ही बता दे। ठीक है, मैं बताती हूँ। एक्चुअली ना अनुराग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है डिप्रेशन को लेकर। तो उसके लिए ना हमें ऐसा आदमी चाहिए था जिसकी शक्ल पे ना हमेशा 12 बजे रहे। अच्छा। और ऐसी शक्ल ना आपकी है। माफ कीजिएगा भाभी जी, आपको हमारी शक्ल पर 12 बजे लगते हैं? मतलब तिवारी जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो आपके चेहरे पे जो मूछें हैं ना, मोटी मोटी पुराने जमाने वाली जो नीचे ऐसे गिरती रहती हैं, और ये जो आपका चश्मा है ओल्ड फैशन्ड,
आपकी जो आंखें नहीं गोल गोल भटेर जैसी, जिसे आप फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे हैं, इस पूरे पैकेज को ना देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप ना वो आदमी है जिसकी हमेशा बैंड बजी रहती है। है ना, क्यों अनुराग? जब हमारी शक्ल भाभी जी को ऐसी लगती है तो जाहिर सी बात है अंगूरी को भी हमारी शक्ल पर 12 बजते नजर आते होंगे। मजो आ गो, थोड़ा पैसे घुस गो, मगर कमाल की चीज है ये सैला। हाँ यार, ऐसे चट चट बातें करती है जैसे कंचे से बज रहे हों। जालिमो, ऐ वाह से बात करके ऐसा लगता है यार जैसे वाकू इस जन्म से ना पिछले जन्म से जानते है गए मरी मैया। और शरारत भी तो है। अरे दादा। दरोगा जी, रात को बड़ी बातें हुई सैला से। झूठ का आगे कहें लौंडो, करी तो हती और ऐसी करी थी मतलब पूरे 8 घंटा। दरोगा जी, पूरे 8 घंटा? हमने तो आधा आधा घंटा बात करी थी। पता है दरोगा जी बिल कितना आया था? पूरे 900 रुपए। थोड़ा सामान भेज दो हमें आज, ताकि तब पैसों को जुगाड़ हो सके। अबे बावली, इन बातों को छोड़। आप दरोगा जी, 8 घंटे बात करी थी आपने, इसका मतलब आपका तो बिल आया होगा पूरे 4800 रुपए। भैया बिल बिल की हमें ना है की चिंता, हमारी जेब से थोड़ी लगने। हम 8 घंटा करना चाहे 10 घंटा। देखो काय, हमने थाने को जो फोन है ना सारो, वो फोन से करी थी बढ़िया तबीयत से। और बिल कौन देगी? कौन देगी? सरकार। सरकार तुम्हें तुम्हारे काम की तनख्वाह देती है, तुम्हारी अय्याशियों का बिल सरकार नहीं भरेगी। अप्पू सिंह, जैन साहब, जैन साहब, मत लो अपनी गंदी जुबान से ये पवित्र नाम। तुम एक नंबर के लीचड़ और लालची आदमी हो, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। नाना साहब, गलती हो गई। असल में काहे के सारे यारो, माहौल खराब चल रहा हूँ घर को। हमारे घरे आप आके देखो घुटन सी हो जाएगी। बीवी ये टेम ना देती, साली ये भाव ना देती, कहाँ जाए? खाली खाली पना तू तनक पतो चलो तू। बाकी बारी में हमने तनक बात कर ली, बड़ो हल्को हल्को ठंडो ठंडो अजीब सी खुशी मिली हमें। हमें खुशी मिली, हमने कर ली। असल में साहब बहुत बहुत अच्छी लड़की है। आप एक बार बात करके मतलब पूछताछ करके देखो। अप्पू सिंह, हाँ? एक काम करो, सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। ये शैला का नंबर क्या है? यार हमारे अंदर रोमांस का कीड़ा मर गया और मैं खबर तक नहीं। सब क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। बबूती जी से अपने दुख साझा करते हैं क्योंकि ये तो हमेशा रोमांस में लिप्त रहते हैं। हेलो बबूती जी, आइए। बबूती जी, क्या है कि हम एक समस्या में उलझे हुए हैं। क्या आपको हमें देखकर लगता है कि हम चुक गए हैं, हमारे अंदर का रोमांस का इंजन अब टाइम बोल गया है? वाह क्या बात है। ये क्या बकवास है, हम ही अपना दुखड़ा रो रहे हैं और आप हमारे जख्मों को एंजॉय कर रहे हैं। क्या दुखड़ा, क्या जख्म? मैं तो प्रिया गोल्ड के मैम्बो चिप्स एंजॉय कर रहा था। मतलब आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। ये चिप्स हैं इतनी मजेदार, मैं उनको छोड़ के आपकी बातें ध्यान क्यों दूंगा, बताइए मुझे आप। अच्छा मतलब अब आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। अरे बोलिए ना, क्या बात है बहुती जी? पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि अंगूरी हमसे बोर हो गई है। दैट्स अ गुड न्यूज। हां अम्मा जी का कॉल। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्चे, कैसन बा? का बताए अम्मा जी, का बताए, हम बिल्कुल ठीक ना ही बा, बहुत तानसेन में है। हमको तो यही चिंता खाए जाता है कि लड्डू के भैया हमसे कितना दूर जा रहे हैं। अरे ना ना हमरे बच्चे, जब तक हम जिंदा हैं
तुमका चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ तो बताइए ना, का करे अम्मा जी, बोलिए ना। बहुरिया, एक ठो बात तो हमरी समझ में आ गया है कि तुमको का करना है, और हमरा दावा है कि वो करने से तुमरे और बैल के रिश्ते का गाड़ी जो है वो पटरी पे आ जाएगा। क्या बात करी है? हाँ तो जल्दी से बताइए ना, का करें हम? हाँ बता रहे हैं, का है ना, कल हमको पंडित रामफल मिले रहे, बहुत रोमांटिक हो रहे थे। हमसे पूछे कि क्या बात है, है? बहुत जोश में लग रहे हैं, क्या हुआ है? तब वो हमको बोले कि आजकल जो है वो एक सैला नाम की औरत से बतियाते रहते हैं। सैला कौन है? सैला एक ठो औरत है जो फोन पे मर्दों से बतियाती है, पर न जाने उस सैला की आवाज में कौन जादू है कि सारे मर्द जो है उनके दीवाने हो जाते हैं। तुम जो है मर्द बन के उस सैला को फोन करो। अभी जी वो ऑडियो नहीं, आइडिया होता है। ऐसा ही पकड़े हैं अम्मा जी, तो बहुत अच्छा उपाय है। अत लिखो उस सैला का नंबर। अम्मा जी लेकिन हमारे पास पेन और कागज तो है ना ही। भाभी जी मेरे पास कागज भी है, कलम भी है, कलम में चाहत की स्याही भी है, कहिए तो आई लव यू लिख दूं। हाँ हाँ अम्मा जी बोलिए, ऊपर भूति जी लिखेंगे। हाँ, 420, 420 और 420। हाँ लिखिए, 420, 420, 420। मैंने सेंड कर दिया, आप नंबर लिख लिए हैं? हाँ कॉल कर देंगे। हाँ ठीक बा, प्रणाम। हाँ खुश रहो। ओ बाल आंटी, बोल दो ना। दे रहे ये लो। क्या बोल रही थी मोटी, मतलब आंटी, मोटी आंटी क्या मतलब, आई एम सॉरी, ये क्या बोल रही थी आंटी जी? अम्मा जी देखिए ना, उनको हमरा कितना चिंता लगा रहता है हर समय। भाभी चिंता तो हमको भी लगी रहती है आपकी। क्या बोले भाभी जी? आप इतनी मासूम है कि हर इंसान आपकी चिंता करना चाहता है। हम कहाँ है, हमको कुछ ना ही पता, हमको तो बस एक ही चिंता खाए जा रहा है आजकल। मुझे बताइए, मुझे कौन सी चिंता खाई जा रही है आपको? शेयर इट विद मी। ना ही हम ना ही बता सकते हैं। भाभी जी कौन सी चिंता खाई जा रही है, मुझे इस बात की फिक्र हो रही है। ए हमारी भी फिक्र कर ले, तेरी अम्मा को ले आ, उसी कर लूंगा। हमें लगता है कि हमें शैला से फोन पर बात कर लेनी चाहिए, ताकि वो हमारे अंदर दम तोड़ते रोमांस के कीड़ों को नई सांसें दिला सके और हम अपनी पत्नी को फिर से अपने करीब ला सके। हमको उस सैला से फोन पर बात करना था, लेकिन लड्डू के भैया तो यही हैं, अब हम उससे बात कैसे करेंगे? अब ये पगली सोए तो हम सैला से बात करें ना। अब ये लड्डू के भैया सोए तो हम सैला को कॉल करें ना। सोना ना ये का? तुम सो जाओ ना। आओ कहा है कि हमको नींद ही ना आ रहा है। ओहो, तो अब तुम्हें हमारे साथ नींद भी नहीं आती? आपको भी कहां आजकल हमारे साथ नींद आता है। ओ ठीक है, अगर तुम्हें हमारे साथ नींद नहीं आती फिर हम बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, आप कहे जाते हैं, हम ही चले जाते हैं। नहीं नहीं पगली, तुम यही आराम से सो, हम बाहर चले जाते हैं। ठीक बा। मैंने कहा तुम्हारे सामने दुनिया के सारे नौजवान हैं भंगार, तुम हो राजकुमार और मैं हूँ तुम्हारी राजकुमारी। क्या तुम सच में मुनी राजकुमारी हो? Of course, my love, of course, मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ। तुम
ठीक है बेबी, तुम रो रो के अपनी बॉडी का पानी का स्टॉक खत्म मत करो। तुम्हें पानी का स्टॉक चाहिए, तुम पानी को स्टोर करके रखो। क्योंकि क्या है कि अभी तुम्हें तुम्हारे जो मोहब्बत की फसल है उसको इस पानी से सींचना है, राइट? मेरे पास तो खेती का है जो मैं फसल सींचूंगा। डोंट वरी, ठीक है, जब ऊपर वाला हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अभी शैला बिजी है, लेकिन आप रोज दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक शैला से बात कर सकते हैं। शैला इज अवेलेबल। ओके टिल देन, बाय, एंड रिमेम्बर शैला लव्स यू। ये ले, तेरे किसी और दीवाने का फोन आ गया। अबे फोन उठा, फोन उठा रहा हूँ यार। कौन बोल रहा है? अबे तू कौन बोल रहा है? ये सैले के नंबर है या रॉन्ग नंबर लग गया? हेलो, यस, आपने एकदम सही जगह फोन किया है, ये शैला का ही नंबर है। सैला मेरी जान। लेकिन सैला जान, जे अभी अभी बदतमीजी से कौन बोल लिया था? वो मेरा कुत्ता था। अच्छा, तुम्हारा कुत्ता? सैला जान, आप तुम्हारा कुत्ता इंसानों की तरह बोले? इंसानों की तरह बोलता ही नहीं है वो, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंसान वाले हैं वो कर सकता है। हाय हाय, कसम से कह रही हूँ, कमाल का कुत्ता पाला है मेरी जान। बहुत खुशकिस्मत है जे कुत्ता जिसे ऐसी मालकिन मिली है। लगता है कुत्तों से कुछ जाती रापता रहा है आपका। हाँ हाँ, है ना, मैं भी तो बहुत बड़ा वाला कुत्ता हूँ कसम से। अच्छा ये बताओ, तुम कैसे कुत्ते हो? मैं ना बहुत कटखना कुत्ता हूँ। जब तुम मिलोगे ना तो तुम्हें काट लूंगा। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, जो मैं तुम जैसे कुत्ते से कट रहा हूँ, कुत्ता कहीं का। सैला जान घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें ना काटूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे पीछे दुम हिलाता फिरूंगा। तुम्हारी दुम भी है? नहीं, ये तो क्या हुआ मेरी जान, तुम्हारे लिए झल्लरदार पूछ लगवा लेंगे। कितना गन भरा हुआ हमारे मोहल्ले के लौंडों के दिमाग में यार। अबे तू बात करता रहे, ज्यादा समाज सेवी मत बन, शैला बन के रहे शैला। हेलो डार्लिंग, दिस इज मलखान, तेरा दीवानो बोल रहा हूँ मैं। ऑफ ऑफ, मेरे दीवाने, ऐसा मुझ में तूने क्या देख लिया जो तू मेरा दीवाना हो गया है? डार्लिंग, अभी तो कुछ नहीं देखो है, अभी तो ब्लाइंड गेम चल रहा है। लेकिन जैसी तुम्हारी आवाज आ गई ना, वाकु सुन के लग रहा है तुम ना एकदम बढ़िया वाला रह गई। हाँ, तुम अंदाजे बड़े सही लगा लेते हो वैसे तुम मलखान। जिंदगी भर छोरियन के हॉस्टल के बाहर खड़े होकर अंदाजा ही तो लगाए हुए, और का लगाए हुए। हाँ। और आगे भी अंदाजे ही लगाओगे। सैला जी, एक बढ़िया वाली किस दे दियो। किस मांग रहा है? देता हूं। हेलो हेलो सैला जी, हेलो। यार मोको तो लगता है जे को नए प्रकार की किस है यार। कितना बोलना पड़ता है यार, इट्स अ टफ जॉब मैन। बेटा टॉक जॉब है तभी तो तू माल कमा रहा है, माल। बीप बज रहा है, फोन उठा, फोन उठा, जल्दी फोन उठा। क्या तुम शैला बोल रही हो? अब तुमने शैला को फोन लगाया है तो शैला ही बोलेगी ना मेरे बजर बट्टू। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।